नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज, आपका जाना पहचाना वास्तु कंसल्टेंट। हर बार लेता हूं नया टॉपिक। आज का टॉपिक बिल्कुल यूनिक है। बाउंड्री वॉल के बारे में तो आपने बहुत बार सुना है, यहां बनाओ वहां बनाओ, ऊंची कर दो नीची कर दो, सबसे नीची कर दो, बहुत बार आपने सुना है। लेकिन कई बार क्या होता है, ये सब की सब बातें जो है सिर के ऊपर से निकल जाती हैं और आपको सही बात का पता नहीं चलता। आज मैं आपको बिल्डिंग के या आपके घर के या कोई भी आपका जो है फार्म हाउस है, आपका विला है, कुछ भी आपका, उसकी बाउंड्री वॉल कैसे बनानी चाहिए और क्या गलती नहीं करनी चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि बाउंड्री वॉल में एक छोटी सी गलती ऐसी हो जाती है कि मकान बनता ही नहीं, बार बार रुकता है, बार बार रुकता है, छोटी सी गलती भारी ना पड़ जाए आपके ऊपर। आज यही बताने के लिए आपके सामने आया हूँ मैं। जाना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिए, आपसे शेयर करूंगा इसकी बारीकियां। साथियों, अपने हर वीडियो में लाता हूं एक खास जानकारी और जब उसको अप्लाई करते हैं अपने जीवन में आप, तो आपको मिलती हैं जीवन की ऊंचाइयां, काम आते हैं आपके, पॉजिटिव एनर्जी से आपका भर जाता है जीवन और आपका घर। साथियों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया था तो अभी करें, कहीं ये चूक ना हो जाए, कहीं भूल ना जाए, ऐसा ना हो कि मेरा कोई बहुत अच्छा वीडियो आपके हाथ से निकल जाए। देश विदेश में डॉक्टर आनंद भारद्वाज एक पॉपुलर सेलिब्रिटी के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। डॉक्टर भारद्वाज विश्व के हाईएस्ट क्वालिफाइड वास्तु कंसल्टेंट। वास्तु कंसल्टेंसी के क्षेत्र में विभिन्न संस्थाओं, मंत्रियों, विशिष्ट व्यक्तियों, अधिकारियों और संतों से 200 से भी ज्यादा अवार्ड से सम्मानित और सुशोभित। डॉक्टर आनंद भारद्वाज यानी वास्तु शास्त्र के इंसाइक्लोपीडिया। तो साथियों चलते हैं, आज हम बात करते हैं बाउंड्री वॉल के बारे में। कैसे बनेगी बाउंड्री वॉल, क्या क्या ध्यान रखना है आपने, इस पर अगर आपने ध्यान दिया तो आपसे गलती होने के चांसेस बहुत कम होंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम जब भी मकान बनाते हैं, कोई भी प्लॉट हमारे पास होता है, तो हम उसकी सबसे पहले, एक हमारे पास भूखंड है, खाली पड़ा हुआ प्लॉट है जिसके ऊपर कुछ भी बना हुआ नहीं है। अब इस पर हमें, ये भूखंड है, इसका रास्ता कहीं भी हो सकता है। मेन इसका जो है, जो मेन रोड है, मान लेते हैं इसकी जो मेन रोड है वो उत्तर दिशा में आ गई, नॉर्थ में आ गई, ठीक है, मान लेते हैं एग्जांपल के लिए। या हो सकता है कि कोने में कहीं नॉर्थ चला गया या कहीं हटा हुआ होता है, कोई समस्या नहीं है। अब देखिए बाउंड्री वॉल, पहली बात ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो बहुत बार लोग गलती करते हैं, प्लॉट लिया, भूखंड लिया, लेने के बाद में क्या करते हैं, जाके कहते हैं इसमें हम बाउंड्री वॉल बना देते हैं, चौहदी बना देते हैं जैसे कहते हैं हम, छोटे छोटे नींव बना देते हैं सर, थोड़ी सी दीवार बना देते हैं ताकि लोग उस पर कब्जा ना कर लें, उसमें कहीं लोग लाके बाहर से कूड़ा कचरा ना फेंक दें और मेरा प्लॉट कहीं लोग कोई कब्जा ना कर लें, इसके तो कई बातें होती हैं इसके पीछे। तो क्या करते हैं हम लोग, बाउंड्री वॉल बना देते हैं। पहली बात नोट करो ध्यान से, पहली बात ये कि जब आप बाउंड्री वॉल बना रहे हैं तो इसकी वैल्यू को आप कम नहीं आंकना, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, बाउंड्री वॉल की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। आप क्या करते हैं, जब हम भवन बनाते हैं ना, मकान बनाते हैं, तो मकान बनाते हुए, बनाने से पहले हम जो है देखते हैं इसमें मुहूर्त का है, कब होगा, कब बनाना है, कब शुरू करना है, कौन सा दिन है, कौन सी तिथि है, कौन सी वार है, ये सब चीज़ें देखते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से 70 से 80% बल्कि 90% तक लोग ऐसे होते हैं कि जब बाउंड्री वॉल बनाते हैं खाली भूखंड के ऊपर कोई भी मुहूर्त नहीं देखते, उसमें नहीं देखते नहीं कि समय कौन सा है, दिन कौन सा, तिथि कौन सी है, कभी नहीं ध्यान करते और चुपचाप जाकर के प्लॉट के ऊपर अपने मिस्त्री को लिया और वहाँ पे जो है बाउंड्री वॉल इसके ऊपर बना देते हैं कि लो जी बाउंड्री वॉल बन गई, मेरा प्लॉट सेफ हो गया, और वो सोचते हैं ये तो कोई खास काम ही नहीं है। साथियों, सबसे खास काम तो यही है, आप इस दिन अपना वास्तु लिख रहे हैं, अपनी किस्मत लिख रहे हैं, ये सबसे पहला यंत्र बना रहे हैं अपने हाथ से आप प्लॉट का जिसके ऊपर आपका भवन बनना है। तो ये गलती आपने नहीं करनी, ये भी आपने जो है जो बाउंड्री वॉल बनाएंगे ये भी शुभ मुहूर्त में बनानी है। अब होता क्या है कि जो खाली प्लॉट पड़ा हुआ है, खाली भूखंड पड़ा हुआ है, आप वहाँ पर जाकर के चुपचाप अपनी बाउंड्री वॉल बना देते हैं, मिस्त्री को हायर किया आपने, वहाँ पर लेबर ले गए, जाने के बाद आपने बाउंड्री वॉल बना दी। लेकिन एक बात ध्यान करें, किस्मत यहीं से शुरू हो गई, जिस दिन आपने अपने भूखंड की बाउंड्री वॉल बनाई, ये तभी से यंत्र बन गया, तभी से यंत्र बन जाता है। साथियों, ये जो है ना, जो भी यंत्र बनता है आपकी लाइफ का यंत्र ही बन जाता है, ये यंत्र बन गया आपका, ठीक है। अब क्या होगा, यहीं से किस्मत शुरू होगी। तो जब भी आप बाउंड्री वॉल बनाते हैं, बाउंड्री वॉल के लिए भी अच्छा मुहूर्त देखें, अच्छा समय देखें, दिन देखें, तिथि देखें, योग देखें, नक्षत्र देखें,
बहुत से मुहूर्त निकलते हैं, उसी समय पर अपनी बाउंड्री वॉल को बनाएं। और रही बात इसके भूमि पूजन और शिलान्यास की, ये आप जब भवन बनाएंगे, हो सकता है आप 6 महीने के बाद, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में जब भी भवन बनाएंगे, उस समय पर आपने उसका शिलान्यास भूमि पूजन आपने करना है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो बाउंड्री वॉल बनती है ना साथियों, इसमें एक बात ध्यान देने की होती है कि ये बाउंड्री वॉल हमने बना तो दी है, अब इस बाउंड्री वॉल में जल्दी से जल्दी भवन बने, ये हमारी इच्छा होती है। ऐसा तो नहीं हमने भूखंड लिया, बाउंड्री वॉल करीब पड़ा रहेगा 10-20 साल, कोई बात नहीं है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उसकी किस्मत खुले, भवन की वहाँ पर बनने की नौबत आए और वहाँ पर जो है उसका जो हमारा प्लॉट है वहाँ पर वो बसाव शुरू हो जाए, बस जाए वहाँ पर, ठीक है। अब अगर ये चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, ध्यान से देखना, अभी आपको मैं समझा रहा हूँ। अब देखिए, कोई भी आपका भूखंड होगा तो उसमें 4 दिशाएं तो होंगी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो होंगे, उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण सब होंगे, ठीक है। अब देखिए मैं बताता हूँ आपको कि आपने जो है एक जो भूखंड लिया हुआ है उसमें जब बाउंड्री वॉल बनाएंगे, सबसे पहले उस भूखंड में अगर देखिए, हम बताते हैं ये आपका जो है उत्तर दिशा है, मान लेते हैं नॉर्थ इसको बोलते हैं हम, यहाँ मैं जा रहा हूँ अपने भूखंड यानी अपने प्लॉट की 4 दीवारी बनाने के लिए, ठीक है। 4 दीवारी की जो प्लॉट की जो मेरी बनेगी प्लॉट की, वो उसमें ये ध्यान करना, सबसे पहले जब यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर सबसे पहले सफाई कराएंगे आप, बिल्कुल यहाँ से घास कूड़ा कचरा जितना भी होगा, गंदगी होगी, वो सबके सब साफ कर देंगे। ये मत सोच लेना कि इसमें कचरा गंदगी पड़ी हुई है, लोगों ने डाल रखी है, मैं इसकी अभी बाउंड्री वॉल कर देता हूँ और जब यहाँ मकान बनाना होगा तब सफाई करूँगा, नो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आज हमारी किस्मत इसके साथ जुड़ने वाली है। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने भूखंड की सफाई करनी है, झाड़ियाँ होंगी, कूड़ा कचरा होगा, बिल्कुल चमका दो, अच्छी तरह से शीशे की तरह साफ कर दो इसको। उसके बाद जब बाउंड्री वॉल बनाएंगे तो आप देखिए इसमें जो है एक दिशा होगी दक्षिण, एक दिशा हमारी हो जाती है पूर्व जिसको हम कहते हैं ईस्ट, वेस्ट पश्चिम। साथियों कोशिश करता हूँ मैं हिंदी साथ साथ लिखूँ, जैसे आप लोग रिक्वेस्ट करते रहते हैं, हम लोग हिंदी भाषी हैं ज़्यादा। तो अब ये जो हमारे पास भूखंड है इसमें सबसे पहला काम, सबसे पहले आप करेंगे इसकी जो बाउंड्री वॉल है, सबसे पहले यहाँ बनाएंगे आप, सबसे पहले यहाँ पर बाउंड्री वॉल बनानी है आपने। और यहाँ पर बाउंड्री वॉल अगर आपने ऐसे ही बना देनी है तो बन जाएगी, यदि आपको नींव खोदनी है तो पहले नींव जो है आपने यहाँ खोदनी है, उत्तर दिशा में यहाँ खोदनी है, ये नींव खोदेंगे, नींव खोदने के बाद में जब बनाना शुरू करेंगे, जब बाउंड्री वॉल बनाएंगे तो सबसे पहले आप बनाएंगे दक्षिण में, उसके बाद में दक्षिण में जब बन जाता है उसके बाद जो है जो सेकंड दीवार बनाएंगे वो आप बनाएंगे पश्चिम दिशा में, और सबसे ऊंची दीवार, सबसे ऊंची और मोटी दीवार, अगर आपको 13 इंच की चिनाई करनी है, 22 इंच की करनी है, आपको कितने भी करनी है, सबसे मोटी दीवार जो है ये रहेगी, सबसे ज़्यादा मोटी इसको बोलते हैं भारी, सबसे भारी और सबसे ज़्यादा ऊंची, भारी प्लस ऊंची आपकी जो दीवार बनेगी वो दक्षिण की बनेगी, साउथ की बनेगी। इसके बाद में इससे थोड़ी सी नीची बनेगी पश्चिम दिशा की दीवार, ठीक है, ये सबसे ऊंची, पश्चिम जो है थोड़ी सी नीची। इसके बाद में आया हमारा जो उत्तर और पूर्व दिशा होती हैं, ये दो दिशाएं जो हैं ये दोनों की दोनों दीवारें बाद में बनाएंगे, 2 के बाद में नंबर 3 पर आप ये बनाएंगे और नंबर 4 पर बनाएंगे आखिर में उत्तर दिशा में। और हो सके अगर आपको जल्दी मकान बनाना है, ज़्यादा समय आपके पास नहीं है, तो आप ये वाली दीवार ना ही बनाओ तो अच्छी बात है, खुला रहे, जब तक मतलब आपके पास ईंट सीमेंट सामान यहाँ से ला रहे हैं तब तक इसको खुला रखो, और जैसे ही लगता है कि थोड़ा सा काम हो गया है उसके बाद में उत्तर पश्चिम के अंदर जो कोना है हमारे, जो 2 स्थान होते हैं, इनको आप बंद कर दो और देखिए उसके बाद बिल्डिंग आपकी बनने का जो चांस है, जो योग है, बहुत जल्दी बनेगा। 1, 2, 3, 4 अगर आपका भूखंड मान लिया ईस्ट फेसिंग है, अगर मान लिया आपका प्लॉट जो है, अगर मान लेता हूँ कि ईस्ट फेसिंग है, तब आपने क्या करना है कि ईस्ट की दीवार को लास्ट में बनाना है, सबसे लास्ट में हमारी ईस्ट की दीवार बनेगी, पूरब की दीवार हमारी सबसे लास्ट में बनेगी, साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, तब आपने क्या करना है, क्रम वही रहेगा, पहले ये बनानी है,
नंबर दो पे ये बनानी है, नंबर तीन पे आपने नॉर्थ बनानी है, और नंबर चार पे, क्योंकि यहाँ पे रास्ता जा रहा है हमारा, ये इसका नंबर नंबर चार पर आएगा। अच्छे मुहूर्त में बनाएंगे, दिशाओं का ध्यान रखेंगे और इस तरह से बनाएंगे। यदि आपका भूखंड, मान लेता हूँ कि डायगोनल है आपका, मान लिया एक कोना नॉर्थ है, एक कोना आपका ईस्ट है, उसके बाद में ये आपका प्लॉट इस तरह से बनता है। यदि ऐसे बनेगा तब क्या करेंगे, नंबर वन पे ये बनेगी दीवार साउथ वेस्ट, नंबर वन। नंबर टू पर बनेगी, नंबर टू पे बनेगी नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम, नंबर थ्री पे बनेगी आपकी ये, और लास्ट में बनेगी नॉर्थ ईस्ट। जब मैं बता रहा हूँ आपके समझ में लॉजिक आ रहा है साथियों, ध्यान रखना। यदि ऐसा करेंगे तो उस भूखंड के ऊपर बिल्डिंग बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा जल्दी होंगे, और ये लेने के बाद में आपके जीवन में भी खुशियाँ आएंगी। ये कोई आपके जीवन में रुकावट खड़ी नहीं करेगा, भूखंड लेने के बाद भी कई बार समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं साथियों, इस पर ध्यान देना है। वास्तु ऊर्जाओं का खेल है, अच्छी ऊर्जाएं हम कैच कर लेते हैं, नेगेटिव ऊर्जाएं निकाल देते हैं। साथियों मज़ा आया होगा, अच्छा लगा होगा मुझे पता, अगर अच्छा लगा है तो आप इसको ज़रूर लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे अपने सोशल मीडिया में और अपने ग्रुप में, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया था तो ज़रूर कर लेना, हर वीडियो होता है दमदार। वैसे तो आपको मेरे वीडियो से बहुत अच्छी जानकारी मिलती है जो कि आपके बहुत काम आती है, लेकिन अगर आप छोटा मोटा कुछ काम कर रहे हैं तो छोटी मोटी आप मेरी एडवाइस के हिसाब से अपना काम कर सकते हैं, छोटा सा मकान बना सकते हैं। लेकिन अगर आप एक बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बड़ा मकान बना रहे हैं और आप चाहते हैं कि परफेक्शन से बने, तो आप अपने साथ में कोई एक्सपेरिमेंट मत करना। नीम हकीम खतराए जान। साथियों बुखार किसी को आया तो कह देंगे ठीक है कोई बात नहीं, पैरासीटामोल ले लो, ले सकते हैं, लेकिन सही इलाज तो डॉक्टर ही करेगा ना। तो अगर आपको मेरी एडवाइस चाहिए, आप चाहते हैं कि आप जो है कस्टमाइज्ड एडवाइस मेरी लें, स्पेशल एडवाइस मेरी लें और मुझसे अपने साइट के बारे में पूरी डिटेल में बात करें, इसके लिए ये जो सर्विस मेरी होती है, ये मेरी पेड सर्विस होती है, इसकी आपको फ़ीस देनी पड़ती है क्योंकि मेरा समय लगता है। अगर आपको ये फैसिलिटी मुझसे चाहिए तो आप देखिए मेरे जो YouTube है इसके ऊपर, वीडियो के ऊपर स्क्रॉल हो रहे हैं मेरे नंबर, स्क्रॉल हो रहे हैं, ये जो है नंबर, ये व्हाट्सएप नंबर हैं, इनके ऊपर आप एक मैसेज डालेंगे कि सर हमें आपसे बात करनी है, और जब आपका मैसेज मेरे पास आएगा अपॉइंटमेंट ले लेंगे आप, उसके बाद मैं आपसे फ़ोन पर बात करूंगा और मेरी जो पेड सर्विस होगी उससे आपको परफेक्शन मिलेगा। शुरू से आखिर तक का पूरा आपको बताऊँगा कैसे मकान बनाना है, स्टार्ट कहाँ से करना है, दीवार कैसे बनानी है, कमरे कहाँ बनेंगे, टॉयलेट सीढ़ी कहाँ बनेगी, और क्या क्या ध्यान रखना है आपने इसमें, पेंट पत्थर कैसा लगेगा, शूज़ कहाँ रखेंगे आप जा, और बेकार सामान कहाँ पे रखेंगे, कूलर एसी कहाँ लगाएंगे, फॉल सीलिंग कैसे करेंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर बहुत डिटेल में आपको जाना है, पैसा कहाँ रखेंगे, कौन कहाँ सोएगा, बच्चे कहाँ पढ़ाई करेंगे, आपका गैस का चूल्हा कहाँ पर आएगा, पानी कहाँ पर आएगा, खास तरीके से घूमें मकान में, क्योंकि जब डिग्री घूम जाती है साथियों तब आपको समस्या आती है। हम तो साधारण में आपको बता देते हैं कि अगर सीधा सीधा प्लॉट है या कोने में दिशाएं चली गई हैं तो आपको हम उसका ज्ञान देते हैं, लेकिन पेड सर्विस से आपको ज़्यादा कस्टमाइज सर्विस मिलती है, एक्यूरेट मिलती है, 100% मेरी नॉलेज को आप यूज़ कर पाते हैं पूरी तरह से। तो इसके लिए आप मुझे मैसेज ड्रॉप करें अगर आप बात करना चाहते हैं और एक बड़ा मकान बना रहे हैं। अगले वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात करता हूँ एक नए टॉपिक के ऊपर, तब तक दें मुझे इजाज़त, ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, नमस्कार।